हेलो गाइस, आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। आज मैं वापस से आ गया हूँ डाई राइट के साथ करने डोंट से व्हाट आई से। ये पार्ट टू होने वाला है और आज हम करने वाले हैं डोंट से व्हाट आई से, जो मैं ऑलरेडी से कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लगता है मेरे को डाई राइट जैसी हरकतें करने लग गया हूँ। मैं रैंडम चीजें बोल रहा हूँ गाइस आज के वीडियो में। इतना मैं आउट्रो क्यों कर रहा हूँ? अरे ये बच्चा पागल है क्या थोड़ा? गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। नेम अ कैंडी स्टार्टिंग विद एम, एम एन एम। तू बोल। मैं भी एम एन एम ही बोलना रहा था। आप पिछली बार की तरह ना हो, लाइक जैसे हम पहले हिंदी में बॉलीवुड का बोल रहा था या फिर इंडिया का बोल रहा था, फिर वापस से मेरे को इंटरनेशनल जाना पड़ा, इसलिए मैं अब डायरेक्ट इंटरनेशनल बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं एम एन एम, तू कोई और चूज कर। मंच मत चूज करियो प्लीज। मैं मामा कैंडी। कौन सी कैंडी? अरे तू क्या बोल रहे है, मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा मार्शमेलो कैंडी कह सकते हैं? नहीं मार्शमेलो नहीं, कैंडी का ब्रांड बताना होगा ना। मार्शमेलो कैसे बताया? ऐसे तो मैं मेलिडी बता सकता हूँ। मेंटोस। मेंटोस, हाँ मेंटोस इंटरनेशनल है। कोक विथ मेंटोस इक्वल्स टू बूम। मार्स। ओके बच गया मैं और तू भी। नेम अ वेजिटेबल स्टार्टिंग विथ सी। कैबेज। मुझे जुकीनी याद आ गया। क्यूकम्बर। जुकीनी क्यूकम्बर वेजिटेबल होते हैं? तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा। हाँ ये रहा, इसको कुंभ बॉटिक एक फ्रूट होता है। और क्या ही उम्मीद कर सकता था मैं। डैम। अरे भाई एक फेमस चीज है, वही बोल दे। गाजर। गाजर बोल दे। गाजर। अच्छा हाँ, क्या कैप्सिकम कह देता हूँ। कैप्सिकम नहीं होता वो, आई थिंक वो कैरेट होता है, मुझे भी पता है। नहीं नहीं, अरे नहीं वो चीज नहीं। कैप्सिकम को आई थिंक बेल पेपर बोलते हैं। कैप्सिकम का दूसरा नाम भी है कोई भाई? क्या बेल पे? हाँ बेल पेपर बोलते हैं। अदर नेम ऑफ कैप्सिकम, अरे ये रहा। हाँ बेल पेपर या स्वीट पे, स्वीट तो होती नहीं है, बेल पेपर ही बोलते हैं। मैं वही सोचू कैप्सिकम, मैंने बहुत टाइम बाद सुना इसलिए मैं डाउट में था। कैप्सिकम। अरे बच गया तू। लिटरली भाई तू मौत को छू गया, टक से वापस आया है। स्टार्टिंग अलादीन तो मैं नहीं बोलने वाला, मैं बोलूंगा ए से। तू अलादीन बोल ले चल, क्योंकि अलादीन तो बहुत इजी है ना, तू बोल ले। मैं ए से बोलूंगा। मुझे लग रहा है ये इतना इजी दे देगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आलू। क्या 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 वो वेजिटेबल वाला मेरे दिमाग से मुझे गया नहीं है। डिज्नी कैरेक्टर यार ए से और क्या होगा, अलादीन ही है। एनास्थीसिया एक कैरेक्टर थी ना। एनास्थीसिया। एनास्थीसिया तो बेहोश करने के लिए देते हैं। एनास्थीसिया क्या बोला, स्पेलिंग बोलियो जरा। एनास्थीसिया। अच्छा ये एनास्थीसिया। एनास्थीसिया ठीक है फिर तो। मैं अलादीन पर का आउट होगा, अलादीन पे मैं बता रहा हूँ, ले लेता हूँ अलादीन देता हूँ। तू ले रहा है एनास्थीसिया, नहीं एनास्थीसिया मैंने बोला था। मुझे लग ही रहा था क्योंकि वो अलादीन बोलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा था। स्टार्टिंग विद सी। डायर। नहीं नो। एनिमल में रणबीर कपूर नहीं आएगा। वेट अ मिनट, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। डायराइड भी नहीं आएगा। और कौन आएगा यार? सी से होता है खरगोश। खरगोश तो खास से होता है, सी से कब से हो गया? खरगोश। सी से होता है को मैं बोलूंगा कैमल। कैमल। अबे यार तू चुरा के ले गया। तो मैं बोलूंगा कॉर्क्यूपाइन। कॉर्क्यूपाइन होता नहीं, कॉर्क्यूपाइन होता है ना। मैं बोलूंगा सी से को। 2000 years later. कैपिबारा कैसो वेरी कैमोइड्स चिकन। अरे चिकन, हे भगवान चिकन। चिकन 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 चिकन। नो चिकन नहीं प्लीज। दुख हुआ, दुख दर्द। बैक टू बैक दो आउट हो गया। पिछले वाला ज्यादा अच्छा था यार, उसमें रैंडम बोलना था, कोई अल्फाबेट नहीं था इसमें।
सेलिब्रिटी स्टार्टिंग जैसे जैसे जॉन अब्राहम फिर शुरू हो गए भाई जॉन अगर जॉन बोल रहा हूँ जॉन अब्राहम अगर जॉन आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मैं आउट हूँ मेरे को याद नहीं आ रहा ऐसे जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं वो जूनियर हो गया डाउनी जूनियर जूनियर हो गया जैसे जो जैसे जमैका कंट्री क्यों बोल रहा हूँ मैं तू बता जैसे मुझे डी कैप्रियो क्यों याद आ रहा है लियोनार्डो डी कैप्रियो के पूरे नाम में कहीं जे नहीं है नहीं वेट जेडन स्मिथ ने कराटे किड की थी जेडन स्मिथ ओके जस्टिन बीबर ऑल बच गया मैंने जॉन बोला था जॉन कौन पता नहीं टीवी शो स्टार्टिंग में एफ से यार एक तो अमेरिकन टीवी शोज में देखता नहीं और वो उसमें भी अगर एफ से बताना पड़े तो मैं क्या बताऊंगा अमेरिकाज गॉट टैलेंट शार्क टैंक अमेरिकन आइडल सारे तो ऐसे शुरू होते हैं फॉलिंग स्काइज एफ से होगा मुझे एक ही पता है फॉलिंग स्काइज आई थिंक एक वो टॉक शो है ना फ्राइडे नाइट विथ समथिंग समथिंग शायद पता नहीं रैंडम मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता फैमिली का इमोजी स्टार्टिंग विद है एच हाँ 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 बिल्कुल नहीं हाँ 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 नहीं बोल रहा मैं बोलूंगा हाँ एच से हैप्पी बर्थडे वाला हैप्पी बर्थडे हैप्पी एच से पर वो ही होगा यार हगिंग फेस जैसे वो हाथ ऊपर करके मतलब जो खुश हो रहा है वैसे पता नहीं तेरी कौन सी इमोजी हैमबर्गर में बच गया बच गए मैं सच्ची सोचा था हैप्पी इमोजी आएगी सिटी स्टार्टिंग लंदन नहीं लॉस एंजलिस मैं लंदन के साथ तो नहीं जा रहा स्टार्टिंग में तूने लंदन में मेरे को लगा तूने बोला मैं लंदन के साथ तो मेरे को लगा लंदन ही बोल रहा था चल आउट है तू तूने बोला नहीं मैंने ठीक है नेम आई ड्रिंक स्टार्टिंग में कोका कोला नहीं बोलूंगा मैं नो टोनी कक्कड़ सी से शुरू होता है अबे कोका कोला भी बोल देता तो नहीं जाता चॉकलेट मिल्क है भाई ऐसा चॉकलेट मिल्क देख के मेरे को पीने का मन कर रहा है सच्ची में एक्चुअली नेम अ कार्टून कैरेक्टर स्टार्टिंग विद एस ऐसे कार्टून और एस एस से कौन सा कार्टून आता है शिनचैन मेरा फेवरेट स्कूबी डू और शिनचैन लेट्स गो हम दोनों फिर से लेवल अप हो गए यार दो पे पिछले बार दो पे आउट हुए हम लाइक खत्म किया था हमने मैं बोलना नहीं चाहता जो मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार इनसे मैडन एनएफएल बहुत बार देखी है तू गेम को कैसे देख रहा है तू किसी की स्ट्रीम देख रहा है यूट्यूब एग्जिस्ट वो सोचो गेम देख रहा है इसका मतलब तू मूवी तो नहीं देख रहा है क्योंकि मूवी में बोलते देख रहा है गेम तो खेलते हैं बजट एम से होगा माइनक्राफ्ट नहीं बोलना यार मेरे को बोला नहीं जा रहा क्या करूं मैं इंसेक्ट स्टार्टिंग विद बी 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 ओके बी से एक इंसेक्ट बैट तू गधा वधा हो गया क्या भाई सच्ची में बैट और इंसेक्ट गधे आदमी ओके बी से होगा बनाना बीटल हाँ मेरे दिमाग में बाबा उनकी चेहरा आ रहा था बट आई विल गो विद बी ओ मैं बच गया फिर ओ बच गया रूट स्टार्टिंग विद देम मैंगो इतना बहुत इजी हो जाएगा अरे सुन हम जो एक बार बोल देंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि हम इतना सोच के बोल रहे हैं
तो बहुत okay. लंबा जा रहा है वीडियो, तो तूने मैंगो बोल दिया, तेरा मैंगो ही है, मैं सोचता हूँ एमसी होगा, वो एमसी कौन से फ्रूट होते हैं मैंगो के अलावा, अब तूने मैंगो बोल दिया मेरे को कुछ और, यार एमसी एक और है, एमसी कौन सा होगा, मंकी भाई, फ्रूट्स मेलन भाई, मेलन मेलन, हाँ पर मस्क मेलन, मैंडरिन 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 ऑरेंज और क्लेमेंटाइन में डिफरेंस क्या है? तीनों का नाम अलग अलग है, काफी है बस, देख ऑरेंज खाते हैं हम जैसे लोग, ओके मैंडरिन खाते हैं हमसे थोड़े ऊपर वाले स्टैंडर्ड के लोग, और क्लेमेंटाइन खाते हैं अमीर, ऐसा जरूरी नहीं है, प्योर रिच क्लेमेंटाइन, बस यही डिफरेंस है, बटरफ्लाई स्कूल में कहाँ से आ रही, पर बी से तूने बोला है बुक, मैं बोलूंगा बुक नोट, जस्ट लाइक डेथ नोट, नोटबुक नहीं बुक नोट, बुक नोट, बी से बॉल, पीटी पीरियड बॉल, अलग अलग टाइप की बॉल होती है, फुटबॉल हैंडबॉल अलग अलग, जो भी बॉल, ब्लैक बोर्ड, बच गया मैं, बच गया, एनिमल स्टार्टिंग विद बी, डाय राइट डाय राइट, जब भी एनिमल दिखे बोल दो डायरेक्ट, ओके कुछ गिरा, एनिमल स्टार्टिंग विद बी, बलून, बाइसन, बाइसन बाइसन होते हैं ना, पता है मेरे को बाइसन एनिमल, वो बफेलो 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 ही होगा मेरे को लग रहा है, फील आ रहा है, फील आ रहा है, ओ मैं बच गया डायरेक्ट, अब बोलता ना बैट, अब तो आया था उसके एलिजिबल, स्नैक स्टार्टिंग विद सी, कुरकुरे बट फ्रॉम सी, के नहीं सी, स्नैक विद सी, चीज को स्नैक कह सकते हैं, चीज, भाई तू सच्ची बता, तू पागल वागल तो नहीं हो गया ना, फिर भी तेरी तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ, इस चीज आ स्नैक enough to be a snack on its own, nahi 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 hai, snack nahi hai, however pairing it with whole grain crackers, cheesecake hai, to maine bola chips jo ki bahut basic hai, jo main out hunga tera hai cheesecake, oh crackers main phir bach gaya bhai, main to sachi mein close tha bahut, starting with this ऐसे कौन सी हॉलीवुड मूवी देखी है मैंने, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन वो बहुत बेसिक बोल दिया मैंने, क्यों बोला मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, बता चल अपना बता, सैक्रिफाइस कौन सी मूवी है, सैक्रमेंट 2003, मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा ये क्या क्या बोल रहा तू, सैक्रमेंट सैक्रीमेंट नहीं, सैक्रमेंट द, आई थिंक वो द सैक्रमेंट है, वो काउंट भी होगा भाई, तब भी आ जाता, पहली बात वो इंग्लिश होनी चाहिए, हॉलीवुड द सैक्रमेंट 2013 की फिल्म, क्या ये हॉलीवुड की है, कौन सी कंट्री की है पहले ये दिखाओ, कंट्री नहीं लिखी, कौन सी कंट्री की है, हॉलीवुड फिल्म है, तू पता चले कोई जर्मन फ्रेंच उठा के बोल रहा हो, हॉलीवुड मूवी, अमेरिकन, ओके अमेरिकन, ठीक है तो ये काउंट होगा, बट तूने बहुत ही हाई डिफिकल्ट वाला बोला तो मेरे को नहीं लगता आएगा, ये स्पाइडरमैन ही होगा, स्टार वॉर्स में बच गया फिर से, अगेन समथिंग यू डू द एट द बीच, मैं बीच गया नहीं, मैं बहुत छोटा था तब मैं बीच गया था, अब ऐसे सैंड कैसल यार, इतना सिंपल, स्किन टैन तू अंग्रेज है, स्किन टैन लिटरली, सर बच गया मैं फिर से, जबकि सैंड कैसल बहुत कॉमन होता है, टीवी शो स्टार्टिंग, यार वैसे तो टीवी शो मेरे को पता नहीं, अब पीस है आ गया तो क्या ही बोलूं,
मुझे भी नहीं पता, सर्च करना पड़ेगा स्टार्टिंग विद जो भी सबसे ऊपर दिखेगा अगर वो अमेरिकन हुआ तो हम उसको ले रहे पेंगुइन्स ऑफ मैडागास्कर टीवी शो मेरे को लगता है मूवी है बट टीवी शोज विद पी द पैसिफिक और पैसिफिक ब्लू तेरा द पैसिफिक मेरा द मेरा पैसिफिक ब्लू बस अब मेरे को नहीं पता कौन है ये क्या है नाम से लग रहा है और ये अमेरिकन है तो बस मान लिया मैंने तो बोल दिया पेंगुइन्स नहीं वो फिल्म है तेरा है द पैसिफिक मेरा है पैसिफिक जो भी था बड़े डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू डब्ल्यू हेलोवीन का विच क्यों बोला मैं क्यों बोला मुझे भी नहीं वही डब्ल्यू से अरे सुन रिस्क लेते हैं मैं विच तू विजर्ड बस देखा जाएगा अब विजर्ड ठीक है आई एम पिकिंग मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी मैंने सोचा यार विजर्ड और विच में ऑफकोर्स विच ज्यादा कॉमन होती है तो मेरे को लगा विच आएगी डायराइट ओके अच्छा सीरियसली बोलू तो वैसे तो डायराइट ही है सबको पता है बट अगर फिर भी मैं डी से बोलू तो मैं बोलूंगा डी से क्या बोल रहा हूँ डंग बीटल डंग बीटल तो मैं बोलूंगा डी से डियर तो नहीं बोलने वाला बट अब मैंने बोल दिया तो बोलना ही पड़ेगा ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट है ना नहीं हाँ इंसेक्ट हाँ एनिमल नहीं नो सलमान खान वॉज हार्म ड्यूरिंग मेकिंग इन दिस वीडियो क्यों बोलता हूँ ओ मैं बच गया फिर से मेरे को लगा डियर बहुत कॉमन है बट मैं भूल गया डॉग उससे भी ज्यादा कॉमन है डायराइट नेम अ डिज्नी मूवी स्टार्टिंग विद टी द लगा के कुछ भी बोल दो द इनक्रेडिबल्स नहीं ओ शिट मैंने बोल दिया अब तो नहीं बोल क्या बोल रहा है अब तो बोल ही दिया मेरे वाला काम मत कर मेरे को लगा था इनक्रेडिबल्स आएगा क्योंकि वो भी डिज्नी की फिल्म है बट डायरेक्ट तेरी किस्मत खराब है मुझे पता था दे वो टार्जन देगा फेमस सिंगर अब वो नहीं बोलने वाला मैं जो मेरे दिमाग में था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैं भी नहीं बोल रहा था जो मेरे दिमाग में आ रहा है ट ट से ट टी से टू 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 रू रू टू टीना टर्नर मैंने सुना था कि उसने कौन टीना टर्नर सिंगर सॉन्ग राइटर ठीक है अब मैं क्या बोलूं फिर मेरे को बोलना ही पड़ेगा टेलर स्विफ्ट मेरे दिमाग में तो आ ही नहीं रहा कोई और टोनी कक्कड़ क्यों एप्लीकेबल नहीं है इधर काश टोनी कक्कड़ एप्लीकेबल होता तो मैं बच जाऊंगा बोला था मैंने मेरे को पता था Incoming Swifties to hate us. Name a fruit starting with P. मैं वो नहीं बोलूंगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है मेरे दिमाग में बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं डायरेक्ट वो कौन सा फ्रूट है जिसके नाम में एप्पल आता है मैं नहीं बोलूंगा बहुत मैं सोचा तेरे को फंसा दू पी से प प प पीच पीच वो मुझे अच्छा सा याद है परसेमन भी एक ऑरेंज की तरह है रुक जा भाई पहले मैं चेक करवा तेरे आधी चीजों तो तेरी समझ नहीं आती परसेमन क्या तू कहां से ला रहा है ये मेरे को लग रहा तू गूगल करके बैठा है नहीं गूगल कर रहा है सच बता रहा हूं नहीं नहीं पक्का हां पक्का चीटिंग करते हुए पकड़ा गया ना तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा अरे पक्का 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 परसेमन हो ही नहीं सकता यार इसमें परसेमन लोगों को पता ही नहीं है वो कहां से लाएगा पीयर बच गया मैं नेम समथिंग दैट कैन फ्लाई विद ब ब ब ब ब ब ब ब ब दैट कैन फ्लाई बटर डायरेक्ट बटर जो उड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे नहीं नहीं बोलूंगा मैं वही बोलेगा
बी से एक्चुअली बेगन एक बार आ चुका है बेगन. चल फिर तू रिस्क ले ले तो रिस्क ले ले बटर जो उड़ता है तू रिस्क ले रहा है बता ना चल मेरे दिमाग में मेरे दिमाग में बेयर आ गया मेरे दिमाग में डायरेक्ट तू रिस्क नहीं ले रहा तो मैं लूंगा बटरफ्लाई. तू अपना बता समथिंग दैट कैन फ्लाई बर्ड. अब पता नहीं कौन. ओ ये तो और कॉमन बोल दिया तूने. बलून नहीं पूछा था. नेम समथिंग. अच्छा दैट कैन फ्लाई. मैं दिमाग में सोच रहा हूँ एनिमल पूछा था. आई मीन वो बर्ड या इंसेक्ट. आई मीन वो भी फ्लाई कर सकते हैं तो या ठीक है तो हम बच गए. मूवी स्टार्टिंग विथ डी धूम. अच्छा हॉलीवुड बतानी होगी ना. हॉलीवुड बतानी है तो डंकिन डोनट्स. कंज्यूरिंग क्यों आ गया दिमाग. डंकिन डोनट्स क्या बोल रहा हूँ मैं. डी से दम आलू. डी से डॉन. यार वो भी बॉलीवुड की फिल्म है. डी से मुझे सारे बॉलीवुड के याद आ रहे हैं एक्चुअली. डेंजरस खिलाड़ी. वैसे वो बॉलीवुड का नहीं है वो साउथ का है डेंजरस खिलाड़ी. बट वो भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम हॉलीवुड के बारे में कर रहे हैं. तो डी से होगा डेयर डेविल आई थिंक 2003 की. डेयर डेविल ओके. तो मैं अच्छा डी से यार मार्वल की मूवी देख लेता ना. डी से कौन सा सुपर हीरो. डॉक्टर स्ट्रेंज भाई. देखो सुपर हीरो से मूवी निकाल रहा हूँ मैं. ओ बच गया मैं. डेडपूल. मैं बहुत क्लोज था. मैं डॉक्टर स्ट्रेंज पे था. मैं मार्वल में ही था बस. स्टार्टिंग विद एम. मुंबई. ये तो यार चलेगा ना. अब इसमें थोड़ी ना हम वो देखेंगे कि कौन सा इंडिया कौन सा. वैसे तो हम माचू पिचू भी विजिट कर सकते हैं बट वो प्लेस नहीं है आई थिंक. नहीं माचू पिचू प्लेस है. माचू पिचू तो आई थिंक मॉन्यूमेंट है. तो हाँ तो फिर मैं मुंबई के साथ हूँ. मेलबर्न मूवी देख मेरा फेवरेट. हम क्या सोचते हैं क्या दे रहा है. फाउंड इन अ किचन. पी से क्या मिलता है. पी से मिलते पल्सेस. और बहुत कॉमन है ये. पल्सेस पल्सेस दाल. अच्छा दाल. अच्छा वैसे तो हर जगह अपनी अंग्रेजी झाड़ता रहता है. आज जब मौका मिला है तो सोच में पड़ा हुआ है मैं क्या बोल रहा हूँ. कुछ नहीं आ रहा पक्का. मैं फिर तेरे लिए सर्च कर देता हूँ. पिज्जा कटर चलेगा. हाँ चलेगा ना बिल्कुल चलेगा. चलेगा क्या भाई. वो दौड़ेगा भाई पिज्जा कटर. कॉमन हमारे दिमाग में नहीं आया. बहुत ज्यादा कॉमन है. ओके मैं सोचा पल्सेस बहुत कॉमन है. ज्यादा डीप सोच रहे कि हाँ बस वही बात होती है. गूगल फ्यूड है ये. जितना तुम ज्यादा सोचोगे ना उतना ही तुम फंस जाओगे. इसमें बेसिक बेसिक सोचना है. नेम समथिंग फाउंड इन द ओशन. सी सी ओशन में नहीं. वो थोड़ी ना सी तो ओशन का सिनोनिम होता है. वो थोड़ी ना मिलेगा. ओशन में मिलेगा इससे सल्फर. पता नहीं क्यों मैंने बोला सल्फर. सी लायन. एक सेकेंड. इस सल्फर फाउंड इन ओशन. अगर मैंने बोला और मिलता है तो सम ऑफ द रिजल्टिंग से डिसॉल्व बैक. ओके सल्फर मिलता है क्योंकि वो सी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. तो हमें सल्फर मिल सकता है पानी में. तो ऑफकोर्स सी वाटर ओशन वाटर एक ही चीज होती है. तो सल्फर सी लायन बोल दिया. पता है मेरे दिमाग में सल्फर कहाँ से आया. डायरेक्ट एस. एस किसको डिनोट करता है. सल्फर. Sure, वैसे मेरे दिमाग में सिलिकॉन भी आ सकता था बट आई नहीं था इसलिए मेरे दिमाग में सल्फर आया. इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुका हूँ तो अब यही दिमाग में बैठा है. ओ मैं बच गया फिर से. वैसे सल्फर किसी भी एंगल से नहीं आने वाला था. यार मैं वो बोलना नहीं चाहता जो मिलता है. मैंने ऑलमोस्ट बोल दिया था. मैं बच गया. मैं वही कह रहा हूँ. सी से मिलता है छोले भटूरे. एवरेज इंडियन ब्रेकफास्ट. अब यार बाहर के देशों में क्या मिलता है. सी से उस चीज को छोड़ के जो हमारे कॉटेज चीज. भाई तो कॉटेज चीज कौन ब्रेकफास्ट में खाता है. वो डिनर की चीज है कॉटेज चीज. पता नहीं कॉटेज दिमाग में कॉटेज चीज.
चीज स्लाइस, हम जब ब्रेड पे अगर चीज स्लाइस लगा के खाते हैं तो वो चीज स्लाइस ब्रेकफास्ट है वो, आई थिंक सो होना चाहिए। ओके डायरेक्ट अब तू अपना बता, अगर तेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा तो तेरे को सी से ही बताना पड़ेगा, वही बताना पड़ेगा जो तेरे दिमाग में सबसे पहले आया था सी से। क्रोआसों, हाँ वो ब्रेकफास्ट है। अभी जब मैं वैष्णो देवी गया था तो वहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा हुआ भाई मैंने नहीं बोला, अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला। हॉलीडे डेस्टिनेशन स्टार्टिंग विथ टी, त्रिनान एंड टोबैगो। गाइस ये असली जगह है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ओके। मैं अपने अलग एक्सेंट में बोलूंगा, ये रहा त्रिनांद ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। गाइस ये जगह है एक्चुअली में, मैं कहूंगा थाईलैंड। मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आया था, पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो कॉमन है, एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है। देखा कॉमन, मैं वो इसलिए मैंने नहीं बोला था। बहुत बढ़िया है। टर्की, तुर्की है, तुर्की है, हाँ वो भी अच्छा था। नेम समथिंग यू वियर स्टार्टिंग विद, नॉट वो जो मैं बोलने वाला था, जस्ट जैसे हम पहनते हैं जूता, जैकेट जैकेट जैकेट। तू बता अपना, यही नहीं बोलने वाला था, मेरे को बस यही नहीं बोलना था, पर पता चल जैकेट आगे, बस मेरे को पता था जैकेट ज्यादा कॉमन है। मेरे को जैकेट बोलने के बाद एक्चुअली लगा कि ये जैकेट से ज्यादा कॉमन तो जीन्स है, तो मैंने जैकेट क्यों बोला, फिर बाद में याद है, बाद में जब देखा तो मुझे समझ गया याद क्या। पेन, लाइक हमारे बैग में तो वही पड़ा रहता है। पेंसिल, स्टेशनरी की दुकान खोलनी है, पेन पेंसिल। अरे वो वाली बैकपैक पूछ रहे जो ट्रैवल में लेके जाते हैं, उसमें पड़ा होगा पीसे पीसे पता नहीं पेन पेंसिल ही ठीक है, वो भी बैग में तो होता ही है ना, हम जो स्कूल जाते हैं उस बैग में। ब्रो तेरा तेरी किस्मत कितनी खराब हो सकती है कि पेंसिल आ गया, पेन नहीं आया, जबकि पेन पेंसिल से ज्यादा कॉमन है। मेरे को लगा भी नहीं था कि पेन और पेंसिल आएगा इसमें, मेरे को लगा जो बैकपैक जो ट्रैवल में ले जाते हैं वो आएगा। राइट भाई, तेरी किस्मत इतनी खराब है, हमने जब स्टार्ट किया था तो मैं स्टार्ट पे ही 0-2 पे हो गया था, और अब मैं 4 और तू 8 हो गया, डायरेक्ट डबल। क्या नाम है अपना पड़ोसी, मैं अपने पड़ोसी का नाम भूल गया, बर्मा पड़ोसी का नाम भूल गया, नहीं भूटान भूटान, अरे हाँ भूटान भूटान, वो भी काम करता है, ब्राजील, बच गया मैं। मैं अपने रियल लाइफ वाले पड़ोसी का नाम नहीं भूला, मैं अपने देश के पड़ोसी का नाम भूला हूँ। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ कि अच्छा। दे भांगा दे भी भूल गया। नेम अ स्पोर्ट स्टार्टिंग विद एस, सॉकर, बॉल, क्यों बोला, अरे भाई सॉकर काउंट होगा, हाँ अमेरिकन्स के लिए फुटबॉल रग्बी होता है और सॉकर फुटबॉल होती है, तो ऑफ कोर्स काउंट होगा। अब तू अपना बताओ, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे लिटरली एस से क्यों याद नहीं आ रहा। सेलिंग स्पोर्ट है, हां सेलिंग स्पोर्ट है, कौन सा स्पोर्ट, सेलिंग सीलिंग बोल रहा, छत बोल रहा हूँ अपने घर की, और बाद में बोल दे मैंने ये तो बोला ही नहीं, मैं तो कुछ और बोल रहा था, तो मैं उसके चक्कर में, तू अपनी बात से मुकर ना जाए उसके लिए मैं चेक करा। मैंने बोला था सॉकर बहुत कॉमन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है सॉकर। आई थिंक वीडियो खत्म, लाइक आधा मिनट का वीडियो बचा है, वो अभी एक और है, सुपर हीरो स्टार्टिंग विद बी, स्पाइडरमैन मुझे ब्लैक एडम, बस क्यों बोला मैंने, बट उससे ज्यादा कॉमन एक और सुपर हीरो है डायरेक्ट, वो कौन सा आदमी है जो चमकादर जैसा, नहीं बोलना ना मैं बोल, तेरे को बोलना पड़ेगा। एक और है बैड गर्ल, ठीक है भाई तू वर्ड प्ले कर रहा है अब। मैंने क्या बोला था, मैं ब्लैक एडम बोला था, ब्लैक पैंथर, बच गया भाई, डीसी ने बचाया मेरे को।
आई थिंक अब खत्म हो गया. तो गाइस आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही, और हमें तो बहुत खेल के मजा आया. उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा. अपना भी स्कोर लिखना आप कितनी बार आउट हुए थे. और आज की वीडियो में इतना ही. डायरेक्ट वैसे आज हारा है 8 बार उसके सेम आए हैं और मेरे से 5 बार सेम आया, तो इस कारण मैं जीता, डायरेक्ट हारा. और आज की वीडियो में इतना ही. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू.